हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन प्रवेगा टॉक सीरीज। एंड ये सेक्शन स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करता हूँ कि उनको जो बहुत सारी छोटी डिटेल्स हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, अपने करियर के लिए, वो कई बार टीचर से भी कई बार कुछ छोटी डिटेल्स मिस हो जाती हैं, या फिर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव क्या है उसको जानने के लिए मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ। सो जनरली ये रिजल्ट के बाद ये टॉक होता है, बट दिस टाइम अभी जो पेपर हुआ है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। और कनिका की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, डाउन्स भी हैं और फिर अप्स एंड डाउन्स दोनों हैं, तो बहुत, और वो लगभग ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लाइफ में आता है, तो उसको कैसे कोप अप करना है और टीचर का क्या रोल होता है और गाइडेंस का क्या रोल होता है, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सो कनिका, वेलकम टू दिस टॉक सीरीज, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। माई सेल्फ कनिका कुदरे। बेसिकली मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। मेरी बीएससी आरबीएस कॉलेज झुंझुनू राजस्थान से हुई है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मेसे फिजिक्स से नेशनल डायरिंग कॉलेज झुंझुनू राजस्थान से कम्प्लीट किया है। मेरी कैसा की जर्नी और प्रिपरेशन के बारे में तो कनिका, आपने जेआरएफ के प्रिपरेशन के बारे में कब सोचा? मैंने अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन के बारे में एमएससी फिजिक्स के साथ ही डिसाइडेड कर लिया था और मैंने उसकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन के लिए कोविड-19 का टाइम था और मैंने ऑनलाइन उस इंस्टीट्यूट समय फॉर्चुनेटली ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन शुरू। ऑनलाइन क्लासेस भी एक क्राइटेरिया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब अपनी सर और आपको मतलब फिजिक्स इंस्टीट्यूट पर मैं फर्स्ट टाइम मिली और मेरी जर्नी विद इन 2 ईयर्स की रही है। और मैंने प्रवेगा एजुकेशन के साथ जब प्रवेगा एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने भी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू करी और मैंने उसके बाद अपना फर्स्ट कोचिंग आने के बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट फरवरी 2022 वाला एग्ज़ाम दिया। पर जो इससे अनफॉर्चुनेटली इससे पहले वाला जो एग्जाम था। इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम था वो मैंने दिया पर अनफॉर्चुनेटली मेरा एग्ज़ाम करेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मेरे लिए काफ़ी मतलब एक मेंटली डिप्रेशन और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो मुझे उस टाइम राइट टाइम पे चाहिए थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे दोबारा से रिनोवेट करूँ, रिस्ट्रक्चरिंग करूँ। लेकिन मुझे आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट और गाइडेंस मिली। मुझे अपने आप को दोबारा से एक नई तरीके से देखने का मौका मिला। मैंने फिर से मतलब इस डिप्रेशन को 1 महीने में कंप्लीट करके और अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट किया। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटाइज किया कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में क्या ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम को जेआरएफ तक नहीं लेके जा पाई। और मैंने अपनी कुछ अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने टीचर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना समझना शुरू किया। लास्ट वहां से लेकर के और जब तक अब इस रिजल्ट तक मैंने पूरी कंप्लीटली के साथ एजुकेशन को फॉलो किया है। हर बात हर टॉपिक को हर हर चीज को मैंने अच्छे से समझने की जानने की कोशिश की और अपने जो मेन सब्जेक्ट्स रहे उसको मैंने पहले अपने फोकस आउट किया और जिन टॉपिक्स की मार्किंग स्कीम कम रहती है मैंने उनको लास्ट में ही मतलब लास्ट टाइम में ही साइडेड करके रखा था कि जब समय होगा तब हम उनको टाइम देंगे। और इस तरह से मैंने 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 इस एग्ज़ाम के लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीएसआर नेट का एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इसमें है कि हमारे हमारे क्लास नोट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं क्लास नोट का हमारी लाइफ क्लास नोट का इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि क्लास नोट को पढ़ना और पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया है, कितनी बार क्वेश्चन को मतलब कितनी बार रिवाइज किया, कितनी बार अपने आप को चेक किया कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, कहाँ कहाँ वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जाके टीचर से डिस्कस किया, अपनी वीकनेस उनके साथ आके शेयर करी, उनको बताया कि आप इस टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट में या इस टाइप के सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड नहीं है, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो मेरी जर्नी में वो योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। मुझे जियारत तक पहुँचने का जो एक टारगेट मिला है, जो एक ड्रीम मिला है, उसी वजह से कि मैंने अपनी हर छोटे से छोटे और हर बड़ी से बड़ी बात अतुल सर और आलोक अतुल सर आलोक सर दोनों के साथ शेयर करी है।
इंस्टीट्यूट में जो भी टीचर्स थे मैंने उनका सबका कॉपरेशन लिया, क्लास टेस्ट को प्रॉपरली कंडक्ट किया, जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो भी मैंने मतलब उनसे कुछ सीखा है, और अगर कभी कभार लगा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत लैग कर रही हूँ तो मैंने दोबारा जा करके अपने डाउट्स को देखना शुरू किया है। और तो अब आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे मान लो एक एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और वो फेज काफी लो आता है, हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है, तो वहां पे अब आप अगर पीछे देखती हैं तो मतलब किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी उस फेज से बाहर आके और आदमी दोबारा उस प्रिपरेशन में लग जाए। मतलब फर्स्ट तो ये कि जब आपका एग्जाम खराब होता है तो फर्स्ट टाइम उस चीज को डिप्रेस होने की बजाय अपने टीचर्स के साथ आके डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली हमें मोटिवेट कर सकते हैं, पर हमें एक माइंड सेट की जरूरत होती है, वो माइंड सेट हमें हमारे टीचर्स दे सकते हैं। और नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम खराब होने से हमारी सारी अप्रोच, सारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने आप पे जब तक भरोसा है कि हम अपना एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं तब तक हमें उसकी पूरी शिद्दत से तैयारी करनी चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आपको बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, आपको दोबारा से अपने आप को इस जगह लेके जाना चाहिए और आपको अपने ड्रीम तक पहुँचने का जरूर मौका। और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको मतलब कैसे आपने मैनेज किया कि एक साथ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और बाकी सारे टॉपिक छूटने लगते हैं, तो लास्ट तक आते आते मैं इस चीज पे काफी इम्फेसाइज करता हूँ और आपसे भी बात होती रहती थी इस बारे में कि एक साथ हर टॉपिक पे लास्ट तक आते आते कमांड होना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में आपने बताया था कि जो टेस्ट सीरीज था, जो प्रवेगा टेस्ट सीरीज पोर्टल पे है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं उसको, तो उसने कैसे हेल्प करी आपकी? मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ने मेरी माँ की स्कीम में, मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। कि जैसे कि हम लोग टॉपिक, जैसे हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मतलब अपने आप को बार बार प्रैक्टिस करके उनको एम्फसाइज करते रहते हैं, पर वो सही राइट डायरेक्शन नहीं है। जब तक आप नए क्वेश्चन को या नई चीज़ों का फेस नहीं करोगे तो आपको आपकी मार्किंग मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ने मतलब मेरी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ने बहुत सारी गलतियां मुझे जानने में हेल्प करी है। मेरी हर पार्ट, हमारी मतलब प्रवेगा एजुकेशन के पार्ट टेस्ट सीरीज बहुत फेबुलस है। हर टॉपिक के बाद एक ढूंढना नहीं पड़ता कि हम अपने आप को कैसे देखें, कि हम कहाँ एग्जिस्ट करें, कहाँ नहीं। हर टॉपिक पढ़ा, उस पर क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस लगाए, जो जो मिस्टेक्स आई उन्हें नोट किया और उन्हें कर लिया, लेकिन वो सब एक कितना फंडामेंटल तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है कि स्टूडेंट को मतलब परेशानी नहीं होती कि वो अपने आप को कैसे करे। तो आप अगर रेगुलरली उस चीज़ को फॉलो करते हो, हर टॉपिक कंप्लीट होने का बाद टेस्ट दो, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या क्लास से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी फुल लाइन टेस्ट सीरीज दो, कैलकुलेटर का यूज करो और अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को साइज चेक करो, तो आपको एग्जाम में वो स्ट्रेस लेवल, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेसिशन सब ठीक होता चला जाएगा, सब ठीक होता चला जाएगा। जी बिल्कुल। और एक इस चीज के बारे में भी बात करनी है कि जैसे कई बार स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप में, बिकॉज ऑनलाइन में थोड़ा सा ये दिक्कत आती है कि हमें भी नहीं पता होता कि उस पार कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, मतलब हम बोर्ड पे तो पढ़ा रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से, बट जो एक क्लासरूम में जो एक कॉन्टेक्ट होता है स्टूडेंट के साथ, डाउट क्लियरिंग और साथ में मिलना जुलना, तो थोड़ा पता होता है कि ये कहाँ पे लैग कर रहा है, इसको मैं कैसे गाइडेंस कर सकता हूँ। बट ऑनलाइन वाले स्पेस में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करो कि वो कैसे थोड़ा कनेक्ट कर पाए टीचर्स के साथ, जैसे तुम्हारा वो पोर्शन काफी, मैं कहूँगा काफी अच्छा रहा, तो वो कैसे करें? मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हम वन साइडेड होते हैं, हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, पर हम उनके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही ज़्यादा मतलब काम टिका होता है सारा। तो पहली बात कि आप अपने टीचर्स के साथ ऑनेस्ट होंगे, भले ही चाहे आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हाँ हमें किसको मतलब किस टॉपिक के टीचर्स से हमें ज़्यादा मतलब अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप मतलब पहले उस चीज़ पे ज़्यादा कमांड बनाए कि हाँ हमारे कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं और हम टीचर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो उनके कॉन्सेप्ट के साथ
कनेक्टेड बना के रहिए, उनकी क्लास नोट्स को, उनके क्वेश्चंस पर काम करने के तरीकों को मतलब अपने साथ रिदम में रहिए। और अगर बार बार इधर उधर भटकने की बजाय अपने डाउट उनके साथ जाके फोकस करें कि ऑनलाइन में बिलीव और ऑनेस्टी ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, उसी की वजह से आपको कुछ मिल सकता है। भले हम पढ़ते कहीं और है, डाउट कुछ और कहीं और इधर उधर डिस्कस करते, उससे हमारा कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, जस्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और सिंगल माइंडेड होना बहुत जरूरी, सिंगल माइंडेड बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ता है, क्योंकि आपका ट्रस्ट आपके पास है, आपकी ऑनेस्टी आपके पास है, कोई आपको आपसे देख नहीं सकता, आपका फोन है दूर। तो आप पहली बात की आप ऑनेस्ट और डेडिकेशन के साथ ही मतलब अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब जाने को तो उस चीज में आपका बहुत। और जो जो पेपर अभी इस बार हुआ, मतलब वो उससे पहले जो आपने मतलब टीचर्स के साथ प्रवेगा टीम के साथ और मेरे साथ जो पढ़ाई करी और बाद में जो पेपर हुआ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपको, क्वेश्चंस देख के या इस तरीके? एक बार मतलब पहले वाले पेपर में मतलब इतना अच्छे से मतलब प्रिपरेशन होते हुए भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था चीजों को लेकर के, कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम थी तो मैं उन्हें उतना कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब इसके बाद में प्रवेगा एजुकेशन आई तो मेरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सोचने के तरीके बदल गए। मुझे लगता था पहले मैं एमसीके क्वेश्चंस को देख करके बहुत फियरफुल फीलिंग करती थी, और शायद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसको बार बार प्रैक्टिस करने के, उसको बार बार क्वेश्चन निकालने के। वो सब्जेक्ट सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग का खेल है सब्जेक्ट के अंदर। जितना ज़्यादा आप जितने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, जितने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझ के और सीधा अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपको ईएमटी आपने बहुत चाहिए। तो मेरे प्रवेगा में आलोक सर से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने के तरीके बदल गए बहुत ज़्यादा। मतलब ईएमटी ने मेरी सारी जो माइंड की थॉट प्रोसेस थी कि ईएमटी बहुत टफ है, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला दिया। तो इस बार के पेपर में ईएमटी के जो भी मैंने ईएमटी को टच किया वो मैं उसको खूब इंजॉय करके आई हूँ, और मैंने उसके सारे मोस्ट ऑफ दी मतलब जो मैं उसको बेस्ट दे सकती थी मैं सारा अच्छा कर पाई। रही बात मैथमेटिकल फिजिक्स में, पर उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हम उसको पर हम ही जिस तरीके से मैंने बहुत बार इस चीज़ पे मतलब खुद भी कहा है कि मैथमेटिकल फिजिक्स आलोक से का बहुत ज़्यादा फेबुलस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम लोग हमें मैथ का स्टूडेंट नहीं बनना, हमें फिजिक्स का स्टूडेंट बनना है। और फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए एक शॉर्ट था एक मैथमेटिक्स के टूल का फिजिक्स के अंदर क्या यूज़ है वो करना उसे आना चाहिए, और उतनी मैथ्स ही आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स के अगर आप जो इंटीग्रेशन के 10-15 फॉर्मूले अगर आप वो फॉर्मूले सीख जाओ, तब क्वांटम मैकेनिक्स के जो हमें जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ को मैथमेटिकल फिजिक्स का रियल मतलब ये है कि आपने एक चीज़ को सीखा और उसको कितनी बार कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया, तो वो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है, ना कि उस सब्जेक्ट में हमें रिसर्च करना है या फिर हमें सब्जेक्ट के अंदर पूरी मैथमेटिक्स सीखना है। वो सब जोन से हमें बाहर आना चाहिए और हमें कम्प्लीटली उसको एक कम टॉप मतलब जितना हमें मिलता है इंस्टीट्यूट में वो सफिशियंट है, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप मतलब लास्ट वर्ष ESR के टेस्ट से आप अपने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो, और सर एक नेक्स्ट लेवल तक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता जो मैथमेटिकल जो मैंने टच किया है जो तो वो मुझे काफ़ी हेल्प कर चुके हैं, नॉट ओनली फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स, वो मेरे हर सब्जेक्ट में, क्लासिकल में भी, क्वांटम में भी, और स्टेट में तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का काफ़ी रोल है। तो EMT में तो वैसे भी तो हर जगह आपको मैथ मतलब वेक्टर एनालिसिस आना चाहिए, आपका यूज़ करना आना चाहिए, बजाय आपको वेक्टर एनालिसिस के मतलब बड़े सारे टॉपिक पढ़ने के कम पढ़ा, उसको अप्लाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं लेक्चर्स में भी अपने बताता रहता हूँ कि अलग से आप मैथमेटिकली वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हो और फिजिक्स में उसको अप्लाई करते हो, थोड़ा सा गैप रह जाता है। तो अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस करें तो बहुत जल्दी से कमांड आ जाता है। और इस बार मतलब पेपर में ऑलमोस्ट आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? मेरे अप्रोक्सीमेटली 118 आ रहे हैं। 118, ओके, वेरी गुड। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। मतलब मैंने तो ऑलरेडी थोड़ा अपने आपको गाइड किया है, थोड़ा फ्यूचर किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो इंटरव्यूज के लिए और कहाँ कहाँ अप्लाई करने वाले हो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। वैसे मैंने मैंने आपको सजेस्ट किया है कि मतलब क्योंकि मेरी ऑनलाइन जो भी मैं स्पेशली
आलोक सर के बारे में स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि जीआरएफ एक आसान चीज नहीं है, और उसे इस लेवल तक, इस स्कोर तक मुझे पहुंचाने में एक ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि आप अपने अपनी रिदम, अपने डेडिकेशन, अपनी ऑनेस्टी को बनाते रखो। और मैं इस जर्नी का मतलब डेडिकेशन, जो मेरी डेडिकेशन था, लेकिन जर्नी के लिए मुझे माइंडसेट की, सपोर्ट की, गाइडेंस की जरूरत थी, जो मुझे आरम सर ने मतलब दिया है। नॉट ओनली इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो हर सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस बहुत बेस्ट गाइडेंस टीचर है। बस आपने मतलब उस चीज के लिए उन्होंने मुझे हमेशा सजेस्ट किया कि आपको किस तरह से अपने आप को लेके जाना है। और जब मैं अभी रिसेंट एग्जाम क्रैक करके आई हूँ, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट में आईएससी बैंगलोर के लिए सजेस्ट किया, तो मैं उनकी रिकमेंडेशन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। क्योंकि हम स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हम अपनी अपनी चीज़ों को अपने देखें, पर मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को कहाँ तक ले जाता है। नॉट ओनली फॉर जीआरएफ, हमें हमारे टीचर्स की सपोर्ट और गाइडेंस की इसके बाद में बहुत जरूरत है। तो मैं पर्टिकुलरली चाहती हूँ कि मुझे मेरे टीचर्स ने अगर आईएससी सजेस्ट किया तो मेरे लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है, और आगे जो डेफिनेट डिसाइड करूंगी वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। और आई थिंक बहुत सारे जूनियर्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो इंस्पायर होंगे, और अगर उनकी कुछ क्वेरीज है तो वो भी कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि कनिका उसको रिप्लाई कर सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कनिका, वेलकम।